वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो सुदर्शन, आज हम कहाँ आए हैं? अपनी छत पे। आप देख सकते हो हम अपनी छत पे आए हैं। अब पीछे हम बिल्कुल मेन मायापुर में रहते हैं। पीछे आप देख सकते हो बिग टेम्पल है, और हम आपको और भी चीजें दिखाते हैं। ये देख, ये बिग टेम्पल है। जय जय मायापुर धाम की जय। तो ये आप देख सकते हो, मैं बिल्कुल काशफुल दिखा रही थी, मैं वहाँ पे खड़े होकर दिखा रही थी उस लेन में। एंड ये मतलब मेन मायापुर में हम रहते हैं, जहाँ पे मतलब आसपास बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे गीता भवन के डायरेक्ट पीछे वो गीता भवन है, और वहाँ पे एक स्कूल है, भक्ति वेदांत स्कूल, और ये नर्सिंग एकेडमी है, और वहाँ पे मंदिर है, मायापुर चंद्रोदय मंदिर वहाँ पे है, वहाँ से सीधे जाके। ठीक है, सो हम बिल्कुल मेन मायापुर में रह रहे हैं भगवान जी के पास से। और हम अभी आपको अपना क्या देंगे सुदर्शन? होम टूर। सो अभी हम देने वाले हैं अपना होम टूर। सो अभी हम जाएंगे नीचे, और आप देख सकते हो ये पीछे का रास्ता है। ठीक है, अभी हम फिलहाल कौन से फ्लोर में? स्नान भी करेंगे वहाँ पे, गंगा है वो, गंगा माँ। बट आप देख सकते हैं 8 फ्लोर से हम। ठीक है, 8 फ्लोर से ये पता नहीं क्या हो रहा है, यहाँ से पानी गिर रहा है नीचे 8 फ्लोर। ये देखो इस, ये जो पत्ते हैं, इन पत्तों को हम बोलते हैं कोचू पत्ता। ठीक है, ये जो, और ये जो बीच में ये जो है, ये बनाना प्लांट है, और वो है रास्ता आने जाने का मायापुर से। देख सकते हो हम स्टेयर से आ चुके हैं नीचे अपने फ्लोर पे, 6 फ्लोर पे। वो था 8 फ्लोर, हम आए हैं कहाँ, कौन से फ्लोर में सुदर्शन? 6 फ्लोर में। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये कौन सी जगह है, ये लिफ्ट एरिया है, वहाँ पे लिफ्ट बनेगा, और ये स्टेयर केस है, हाँ बन रहा है, और यहाँ पे दोनों फ्लैट्स है। तो सुदर्शन तुम क्या चाहते हो, कहाँ से शुरू करें? यहाँ से शुरू करते हैं फिर। चलो सुदर्शन आपको होम टूर देगा। ये वॉशरूम है, और उसके बाद ये एक बड़ा सा हॉल है, और फिर ये बेडरूम विद अटैच बालकनी भी है, बेडरूम विद अटैच बालकनी। सब देख सकते हो, जो पानी वहां पर देख रहे थे यहाँ पर दिख रहा है। मैंने बताया था अभी इन प्लांट्स का नेम, अब बता सकते हो मुझे दोबारा, और वो रहे काशफूल। ठीक है, और ये रहे हमारे बालकनी, बहुत बड़ी बालकनी है। ये रूम होने के बाद अब कौन सा रूम है? अब हम चलते हैं, सो ये बेडरूम है, अटैच वॉशरूम है। सो ये रहा एक और चीज, यहाँ पे हमारी किचन, हरे कृष्णा। सब सोच रहे होंगे इस घर में, इनके घर तो है बट ये फैमिली का है, मतलब नाना नानू तो है, पर हमारे बाकी सारे फैमिली मेम्बर्स है कि नहीं। तो मैं आपको बता दूँ, मेरे 4 मामा हैं, आप स्क्रीन में देख सकते हो, मेरे 4 मामा हैं, जिसकी जो कि फर्स्ट वाले जो मामा हैं वो रहते हैं अमेरिका में, उनकी कोरियन वाइफ है, और जो सेकेंड मामा है, सेकेंड और थर्ड, ओके सेकेंड और थर्ड, वो दोनों रहते हैं साउथ कोरिया में, एंड जो फोर्थ मामा है वो रहते हैं ऑस्ट्रेलिया सिडनी में, ओके तो हम बताना चाहते हैं कि ना जो हमारा मेन होम टाउन है, मतलब मेन घर है, ये मायापुर तो नहीं है, पर अब इसके आगे चाकदा है, मतलब इससे 7 स्टेशन पहले है चाकदा, बहुत पास है, दोनों एक ही डिस्ट्रिक्ट में पड़ते हैं, 7 स्टेशन सुनने में लग रहा है पास नहीं है। और इस वहाँ पे हमारा मेन हाउस है, वो भी बहुत बड़ा है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। ठीक है, तो अभी हम करते हैं अपना घर कंटिन्यू। चलो दिखाने जा रहे हैं आपको ये दूसरा वाला घर, जो कि सेम ही है, है ना? चलो सुदर्शन दिखाओ। सही है, हमारा वॉशरूम, घुसते ही एक वॉशरूम है, उसके बाद तो ये किचन है, यहाँ पे छोटा मोटा सामान है, यहाँ पे फ्रिज वगैरह है, ओके एंड ये भगवान जी के लिए, भगवान जी का भी सेटअप कर रखा है।
क्योंकि हमारा मेन होम टाउन में बहुत बड़ा मंदिर है, बट यहाँ पे क्या हम दो तीन दिनों के लिए ही आते हैं, तो यहाँ पे क्या हमें बस ये भी हम जाते हैं क्योंकि यहाँ पे तो कुछ सेवा करने वाला है नहीं, ये हम लाते हैं, भोग ऑफर करते हैं और प्रसाद पाके प्रसाद पाते हैं। फिर चल ये एक डाइनिंग टेबल है छोटा सा और यहाँ पे एक बेड है, छोटा सा बेड है, यहाँ पे खिड़की है जहाँ से दिखता है मेन मायपुर टेम्पल। सुदर्शन आपको दिखाने जा रहा है नेक्स्ट रूम जहाँ पे हमारा लगेज है और ये बेड है ये भी, और यहाँ पे अटैच वॉशरूम भी है और यहाँ से भी सेम व्यू दिखता है आप देख सकते हो, और ये है अटैच वॉशरूम की रहा ये है ठीक। और इसके बाद आपको दिखाना चाहती हूँ मैं नेक्स्ट रूम जो कि है ये वाला, यहाँ पे ये नेक्स्ट रूम है, यहाँ पे अलमीरा है ओके, ये भी हमारा कुछ लगेज है एंड यहाँ पे मम्मा है, हरे कृष्णा, और ये हमारा एक बेड है एंड यहाँ पे अटैच बालकनी भी है, सब देख सकते हो यहाँ से भी पूरा मायापुर दिख रहा है। हरी बोल। तो हम पहुँच गए हैं आरके कैफे जो कि यहाँ पे एकादशी प्रसाद अवेलेबल है, इसलिए हम एकादशी है ना आज तो एकादशी प्रसाद पाने आ गए हैं। तो आपको मैं बता रही हूँ वो मंदिर है एक, हाँ ठीक है वो मंदिर है, उसके बगल में यहाँ पे गली है ठीक है, उस गली से सीधे जाओगे लेफ्ट टर्न करोगे हमारा घर आ जाएगा। सो अभी हम चलते हैं आरके कैफे के अंदर, ये भी एक डिवोटी की शॉप है, ये रही देख सकते हो। तो आरके कैफे में भी एकादशी प्रसाद अवेलेबल नहीं था, बाहर लिखा हुआ एकादशी प्रसाद अवेलेबल है आज के लिए, एक्चुअली कोई डिवोटी आ रहे हैदराबाद से जो उनके लिए प्रसाद महाप्रसाद जा रहे हैं, एक्चुअली पहले महाप्रसाद ही जा रहे थे फिर मैंने सोचा कि कैफे में चलते हैं एक्सप्लोर करते हैं, एक्सप्लोरर बन के वो लोग सामने है क्योंकि घर के बिल्कुल पास था, मैं आपको दिखाने वाली थी ये है हमारा टेम्पल, ये टेम्पल ये वाली गली ठीक है, आ जाना प्लीज। और अब हम जा रहे हैं मायापुर में, हम मायापुर में ही है महाप्रसाद में ठीक है, हम नामट्टा के सामने आ चुके हैं तो मम्मा ने बोला महाप्रसाद में नामट्टा के शॉपिंग करने के बाद जाते हैं, तो हम अभी अब ले रहे हैं सुगर केन जूस, गन्ने का जूस ठीक है, गन्ने का जूस को दिखाना चाहते हैं, बहुत यम्मी स्ट्रीट फूड है ये, जो प्यारा माखा है ना ये मतलब बहुत यम्मी होता है, बट ये एकादशी में खा नहीं सकते इसलिए हम ले नहीं रहे ठीक है, बट कोई बात नहीं हम आपको ट्राई करके दिखाएंगे। प्यारा माखा मतलब गुआवा का ना एक मिक्सचर बनाते हैं बहुत यम्मी चाट टाइप, तो आप देख सकते हो सुदर्शन की फिर से मुझे बन गई है, हम ये पी रहे थे। सो आप देख सकते हो हम आए हैं नामट्टा गिफ्ट स्टोर के अंदर, हम गिफ्ट लेना है देखते तो ये देख सकते हैं अपना मट्टा का गोडाउन है और यहाँ पे सुदर्शन खेल रहा है, हम ये डेकोरेशन का सामान ले रहे हैं बहुत कुछ। तो पापा ले रही है वहाँ से फ्रिज मार्केट दामोदर वाला, देखो देख सकते बहुत सारा ले रहे हैं, दिल्ली वाले डिवोटीज को देना है ठीक है, यहाँ पर बहुत सारी होम डेकोरेशन की चीज़ें हैं खाना चाहते हो ये रही, ये सब चीज़ें बहुत कुछ आप खरीद सकते हो डेली यूज के लिए, ये हम चांदी का ले रहे हैं तुलसी वाला है बहुत अच्छा, हमने इतने सारे फ्रिज मैगनेट्स ले लिए हैं दिल्ली के डिवोटीज को देने के लिए, ये बिल है और ये मम्मा ले रही हैं, हम तीन दिन ले रहे हैं चांदी का, बहुत क्यूट है, बिलिंग करवा रहे हैं वो 36 पीस, ये महाप्रसाद पहुंच गए हैं हम और अभी देखते स्नैक्स में क्या क्या है, एकादशी का पिज्ज़ा मिल, ओह हाँ एकादशी का पिज्ज़ा मिल गया हमें, नहीं ये वही वाला है, नहीं एकादशी का है, ये एकादशी का पिज्ज़ा, चलो फिर एकादशी का पिज्ज़ा, फ्रेंच फ्राइज तो आ गए हैं बस वो पिज्ज़ा आ रहे हैं, पिज्ज़ा बिल्कुल वैसा ही दिखता है जैसे मतलब नॉर्मल डेज में होता है ना, एक्साइटेड हूँ, और ये आलू फ्रेंच फ्राइज आप देख सकते हैं ये तो खाओ, हरी बोल हैप्पी एकादशी, तो यम्मी पिज्ज़ा है ना मतलब क्या बताऊँ,
बड़ी मम्मी बिल्कुल मतलब वैसा ही समझ रहे। सो मम्मी वहाँ पे अपनी फ्रेंड के साथ कर रही है बातें और तब तक हम आ गए हैं सुदर्शन के पास। भले ही बारिश हो रही है वो ड्रिजलिंग हो रही है मतलब बूंदाबांदी बोलते नहीं है वो हो रही है समझ में आ रहा है। ये अगर दिख रहा होगा तो कैमरा में तो ये बारिश भी नहीं आती। तो सुदर्शन झूल रहा है वहाँ पे, देखो वहाँ पे एक लड़की भी है, मेरे को भी झूलना है वेरी फास्ट। वो गाइस इतने सारे फ्लावर्स, गाइस हम फ्लावर्स के पास चलते हैं। बारिश में होते होते मौसम मस्ताना करते हुए। सो गाइस देखिए आप हमारे फ्लावर्स को, इतने अच्छे खुशहाल दिख रहे हैं गाइस। और ये थोड़े बहुत पत्ते फ्लावर्स और ये लगता है, ये देखिए गाइस रिबॉल एकादशी है तो हमने आज ले ही लिया डव नारियल पानी। बोट में नहीं लॉन्च में जा रहे हैं ठीक है, तो ये लॉन्च के लिए है बहुत सुंदर। और आपको दिखाएंगे कि ना वो दो गंगा का कलर वो मिक्स नहीं होते, वो वाला पॉइंट बहुत अच्छा है इंटरमिक्सिंग पॉइंट, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ दो गंगा। अभी उतर रहे हैं हम, फेरी राइड्स हो चुकी हमारी, हम गए उतर। तो अभी हम आए एक आंटी के घर पे, यहाँ पे बहुत क्यूट बच्चा है जिसका नाम है पापाई, ये बहुत क्यूट है जी। और ये इसका बड़ा भाई ताता ही है। कौन सी क्लास में हो आप? फर्स्ट क्लास में है ये ताता ही। और सुदर्शन वहाँ पे फ़ोन देख रहा है, मैं से कब से मना कर रही हूँ। तो हम अभी नवदीप में मेरी आंटी के घर पे आए हैं, आपको आंटी से मिलवाती हूँ। यहाँ पे ये क्यूटू सा पापा ही है, क्यूटू शाह बहुत क्यूट है इसको पता है सब समझ आता है, सब समझ आता है, थोड़ा थोड़ा बोलता भी है। ये मारते नहीं, ये छोटा भाई ना।